कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण वेद संस्कार हो जाता, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। और जब वो अपनी तीखी चोंच से पैनी यानी तीखी चोंच से जब वो खरगोश के बच्चों को पकड़ता था, तो कई बार ऐसा होता था कि कर्ण यानी कान, जब हम कान छिदवाने का संस्कार होता है ना, कान छिदवाया जाता है, तो उसकी तीखी चोंच से उन खरगोश के बच्चों के कान में लग भी जाती थी। लेकिन वे खरगोश के बच्चे भी इतने समझदार थे कि वे ये कोशिश करते थे कि दोबारा मोर को गुस्सा दिलाने का अवसर ना आने दें। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुओवल जैसा खेलते रहते। बच्चों, लेकिन दंड देने का अर्थ ये नहीं था कि वो उनको प्यार नहीं करता था। उसका सभी पशु पक्षियों के प्रति बहुत अधिक स्नेह था और यही कारण था कि सब उसकी बात को माना भी करते थे। और जब वो मिट्टी में अपने पंख फैलाकर बैठ जाता था, तो वही खरगोश के छोटे छोटे बच्चे उसके पंखों में इधर उधर छुपते और वहाँ पर खेला करते थे। बच्चों, एक बार जाली के रास्ते से एक सांप जाली घर के भीतर आ गया और उसको देखकर जो सभी जीव जंतु थे वे इधर उधर भागने लगे। केवल एक शिशु खरगोश यानी कि शिशु यानी खरगोश का एक छोटा बच्चा जो था वो सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था, उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। बच्चों, सांप ने उस छोटे से खरगोश को अपने मुंह में ले लिया था, लेकिन उसका जो पीछे का हिस्सा था वो तो उसने अपने मुंह में दबा लिया था, लेकिन आगे का हिस्सा उसका लटका हुआ था। लेकिन सांप ने उसको इतनी तेजी से जोर से पकड़ रखा था कि उसके मुंह से आवाज़ भी पूरी नहीं निकल रही थी और उसके मुंह से आवाज़ भी अच्छे से नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी धीमी धीमी आवाज़ को मोर जो नीलकंठ था उसने पहचान लिया था और वो तुरंत नीचे आता है। लेकिन वह यह भी वो सांप को देख लेता है कि इस सांप ने खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में दबा रखा है। और जब उसने देखा कि सांप ने खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में दबा रखा है, लेकिन वो ये समझ गया था कि यदि मैं इसके मुंह पर प्रहार करूंगा तो हो सकता है खरगोश के बच्चे को भी चोट लग जाए। इसीलिए उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच में इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु नीचेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। और फिर उसने अपने पंजों से सांप के फन को दबा लिया और चोंच से उस पर इतने प्रहार किए कि उसने खुद ही उस खरगोश के बच्चे को अपने मुंह से छोड़ दिया, नहीं उसकी पकड़ ढीली पड़ गई तो वो खरगोश का जो बच्चा था वो नीचे गिर गया। लेकिन वह नीचेष्ट यानी बेहोश, एक तरह से वो बेहोश सा हो गया था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के दो खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। बच्चों, राधा समझ गई थी कि उसको नीलकंठ की सहायता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसने अपनी मंद केका का अर्थ होता है मोर की बोली, मंद यानी धीमी, उसने अपने धीमी धीमी आवाज़ में सबको ये बात बता दी थी कि कुछ ना कुछ असामान्य घटना घटित हुई है। और तभी वहाँ पर माली पहुँचा और जब सब लोग वहाँ पहुँचे तब तक जो नीलकंठ है उस मोर उसके खर सांप के दो टुकड़े वो कर चुका था और शिशु जो खरगोश का शिशु था वो घायल हो गया था। तो इसीलिए नीलकंठ रात भर उसे अपने पंखों के नीचे रखता है और उसे उष्णता यानी उसको गर्मी देता है। और अब आपको ये समझ में
में आ गया होगा कि बच्चों कार्तिकेय, कार्तिकेय कौन थे? शिव, भगवान शिव के पुत्र थे ये, और उनका वाहन जो था वो मयूर था। तो उन्होंने मयूर को अपना वाहन क्यों चुना होगा ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मोर सुंदर होने के साथ साथ स्वभाव से भी बहुत ही विनम्र और दयालु था, इसीलिए कार्तिकेय ने उसे अपनी वाहन के रूप में चुना। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, उनका जीवन ही क्रूर कर्म है। बच्चों यहाँ पर आप दूसरा आंतरिक प्रश्न लिख लीजिए, हमारा दूसरा आंतरिक प्रश्न है, मोर कैसा पक्षी है और उसे किस प्रकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मोर कैसा पक्षी है और उसे किस प्रकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। बच्चों इसका उत्तर अभी जो मैंने पैराग्राफ रीड किया वहीं पे आप नोट कर लीजिए, ये हमारे दूसरे आंतरिक प्रश्न का उत्तर है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूम कर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाएं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। बच्चों यहाँ पर आप तीसरा आंतरिक प्रश्न लिख लीजिए, इसी पेज पर, पेज नंबर 112 पे, राधा नीलकंठ के साथ किस प्रकार नृत्य करती थी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, राधा नीलकंठ के साथ किस प्रकार नृत्य करती थी। इसका आंसर आप यहीं पर लगा लीजिए बच्चा, राधा नीलकंठ के समान, बच्चों यहां तक मिलता था, ये तीसरे आंतरिक प्रश्न का उत्तर है। बच्चों तीसरे आंतरिक प्रश्न का उत्तर आप यहां से नोट कर लीजिए, राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाएं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। यहाँ तक बच्चों आप, जैसा कि आप सभी को पता है कि मोर की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी होती है, वर्षा ऋतु। तो जब वर्षा ऋतु आती थी तो नीलकंठ और राधा दोनों अपने पंखों को फैलाकर बहुत ही आनंद मग्न होकर नृत्य किया करते थे और वे बारिश में पूरे गीले हो जाते थे और तब वो अपनी तीखी चोंच से उन पानी की बूंदों को पी जाता था और उन्हीं से, उस चोंच से ही वह अपने पंखों को सुखाया भी करता था। और इस प्रकार से बच्चों जाली घर के अंदर रहने वाले सभी पशु पक्षियों का जो जीवन है वो बहुत ही आनंद पूर्वक बीत रहा था। लेकिन उसमें व्यवधान तब आया जब उनके घर में एक और पक्षी का आगमन हुआ। तो वो कैसे हुआ कि एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियां ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, ये संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोर से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी, उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियाँ टूट कर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बच्चों एक बार जब लेखिका किसी कार्य से नखास कोने से, यानी कि बाजार का नाम है ये, जब उधर से निकल रही थी तो उधर बड़े मियाँ की दुकान भी थी, लेकिन इस बार लेखिका सोच के गई थी कि वो वहाँ पर नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी बड़े मियाँ ने उनको रोक ही लिया और लेखिका को वो एक मोरनी खरीदने के लिए आग्रह करने लगे। हालांकि लेखिका खरीदना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी
वो उनसे जिद करते हैं कि इसे खरीद ले। और जब लेखिका का ध्यान उसकी तरफ जाता है तो देखती है कि राधा के समान एक मोरनी है। जिस अवस्था में उनको प्रारंभ में राधा मिली थी वैसे ही वो मोरनी भी उसी अवस्था में थी, और उसके जो पैरों की जो उंगलियां थी उनके पंजे टूट कर बिल्कुल इकट्ठे हो गए थे और उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। तो उसको देखकर लेखिका को भी उसके ऊपर दया आ जाती है और वे उसको उठाकर अपने घर ले आती है, यानी कि बड़े मियाँ से वो उनको बहुत ही सस्ते दामों पर खरीद कर अपने घर ले आती है। बच्चों, लेखिका महादेवी वर्मा उस मोर के बच्चे को जो कि मोरनी थी उसको अपने घर ले आती हैं और वो घायल अवस्था में उनको मिलती है, तो वो उसको प्रारंभ में अपने कमरे में ही रखती है, उसकी बहुत सेवा वो करती हैं। और कुछ ही दिनों बाद वो जो मोरनी थी वो स्वस्थ हो जाती है, और चूँकि वो दिखने में बहुत अच्छी नहीं थी इसीलिए उसका नामकरण किया गया कुब्जा। कुब्जा का अर्थ होता है बच्चों कुबड़, कुबड़ होती है ना कुबड़ी, कुब्जा का ही अर्थ है। लेकिन जो उसका नामकरण कुब्जा किया गया बच्चों, वो अपने नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी था। वह उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई नीलकंठ के समीप भी आए। तो अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती, चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी, ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। बच्चों, कुब्जा को तनिक भी पसंद नहीं था कि कोई नीलकंठ के पास आए, और इसीलिए वे राधा को भी उसके पास से दूर भगा देती थी। उसने राधा की जो कलगी थी उसको भी तोड़ दिया था। इस प्रकार जो जाली घर में बहुत ही आनंद का माहौल था और सब बहुत प्यार से वहाँ रहा करते थे, उस माहौल में एक कलह कोलाहल की शुरुआत हो गई थी, और इसका कारण कौन था? कुब्जा। और कहीं ना कहीं नीलकंठ और राधा की जो प्रसन्नता थी उसका भी अब अंत हो गया था। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा, मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती। बच्चों, जो नीलकंठ था वह कुब्जा से इतना परेशान हो जाता था कि कई बार वह जाली घर से निकलकर इधर उधर भाग जाया करता था और छुप जाता था। वो अब भूखा प्यासा रहने लगा था, उसकी प्रसन्नता का अंत हो गया था। कई बार लेखिका उसको बहुत लाड़ प्यार से अपने पास बुलाती और उसको दाना खिलाने की कोशिश करती, लेकिन अब वो दाना भी नहीं खाता था। और जब वो पहले खुश होकर अपने पंखों को मंडलाकार यानी गोलाकार बनाकर नाचा करता था, अब वो भी उसने छोड़ दिया था, और उसकी आंखों में एक शून्यता, शून्यता का अर्थ होता है खालीपन। लेखिका को अब उसकी आंखों में एक खालीपन नजर आता था, यानी कि एक निराशा सी उनको उसकी आंखों में दिखाई देने लगी थी। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा, नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ, वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है, न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे पंखों के तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो नीचेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही, वह कई बार भागकर लौट आया था। बच्चों, एक दिन लेखिका ने इसी तरह से बहुत महीनों तक नीलकंठ जो है उदास बैठा रहा। एक दिन लेखिका देखती है कि जो नीलकंठ है वह अपने पंखों को फैलाकर बैठा हुआ है, और जब लेखिका उसे बुलाती है तब उसके पुकारने पर भी वह नहीं उठता है, तो लेखिका को संदेह होता है, शक होता है कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। तो वह देखती है कि वास्तव में जो नीलकंठ है वो मर गया था।
क्योंकि और वो कैसे मरा, इसका क्या कारण रहा, इसका उत्तर लेखिका को भी नहीं मिला, क्योंकि न तो वह बीमार था और न ही उसकी रंग बिरंगे फूलों के इस्तबक, इस्तबक का अर्थ होता है गुलदस्ता, एक तरह से उसका शरीर कैसा था, रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते के समान जो उसका शरीर था उस पर कोई चोट का निशान भी नहीं था। तो लेखिका उसको अपनी शॉल में लपेट कर गंगा घाट ले जाती है और वहाँ गंगा में उसे प्रवाहित कर देती है। जब नीलकंठ के पंख गंगा में उसको प्रवाहित किया जाता है तो उसके जो पंखों का प्रतिबिंब था, यानी कि पंखों की जो परछाई गंगा के पानी में जो नज़र आ रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि जो गंगा है वो एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो गई हो, यानी कि गंगा नदी जो है वो मयूर के समान प्रतीत हो रही थी। नीलकंठ के जाने के बाद राधा भी नीचेष्ट सी यानी कि बेहोश सी कई दिनों तक पड़ी रही, क्योंकि उसको ये आस थी कि पहले की भांति नीलकंठ कहीं वापस लौट आएगा, क्योंकि पहले भी नीलकंठ एक दो बार चला गया था लेकिन वो वापस आ जाता था, लेकिन इस बार नीलकंठ वापस नहीं आया। इस बार नीलकंठ लौट कर नहीं आया, पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली यानी एल्शिशन कुत्ती, और उसका नाम कजली था, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया, परिणामतः कजली के दो दांत उसकी गर्दन में लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल, द्वेष, प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अप्रतीक्षा में ही दुकेली है, आषाढ़ में जब आकाश में मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। बच्चों, नीलकंठ के जाने के बाद में जो कुब्जा होती है वह भी उसको बहुत ढूंढती है, लेकिन नीलकंठ उसको कहीं नहीं मिलता। और एक बार जब वो आम के वृक्ष से नीचे उतरती है तो लेखिका के घर में जो उन्होंने एक बिच पाली हुई थी जिसका नाम कजली था, जो एल्शिशियन थी, तो वह उसके सामने आ जाती है। अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा उसके ऊपर भी प्रहार करती है, लेकिन उसके कजली के दो दांत उसकी गर्दन में लग जाते हैं और उसका उसके जीवन का अंत हो जाता है। पर बच्चों, इस घटना से लेखिका ने ये देखा कि जो पशु पक्षी होते हैं उनमें उनकी प्रकृति भी कैसी होती है। जैसे मनुष्यों में होता ना कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, राग, द्वेष की भावना होती है, यही चीज़ पशु पक्षियों में भी होती है। और नीलकंठ के जाने के बाद में अब राधा जो है वो अकेली हो गई थी। बच्चों, दुकेली का अर्थ होता है जो अकेला ना हो, तो अब वह राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली, यानी कि वो अकेली होकर भी अकेली नहीं थी। वे दिन रात नीलकंठ की प्रतीक्षा करती रहती थी। जब आकाश में बादल छाते थे तो वह भी ऊंचे जो अशोक का जो पेड़ था, कभी ऊंचे झूले में चढ़ जाती थी, कभी अशोक के पेड़ की डाल पर चढ़ जाती थी, और केका यानी कि मोर की तेज़ आवाज़ और बहुत तेज़ आवाज़ में वो अपना स्वर निकाला करती थी। और उसके तेज़ आवाज़ में बोलने का अर्थ ये था कि वह कहीं ना कहीं नीलकंठ को बुला रही है, उसकी प्रतीक्षा कर रही है और वो उसको आवाज लगा रही है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने ध्यान से इसको समझा होगा। आप घर पे एक बार इसको फिर से पढ़ें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।